आप वेबसाइट beginners.com की ओर से, मैं नंद किशोर बर्वे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि SEO by Yoast की जो प्लगइन्स है, इसके अंदर में जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रीन्स, जब पोस्ट जब हम लिखते हैं तो सारे के सारे ग्रीन किस तरीके से किए जाते हैं। तो मैं जैसे कि एड न्यू पोस्ट करता हूँ, और ये करने के बाद में आपको नीचे में इसके जो ये पॉइंट्स है वो नज़र आएंगे। तो ये पॉइंट्स के बारे में ये जो कह रहा है कि सबसे पहले पहला पॉइंट है ये जो है रेड हो चुका है, हमें ये सारे के सारे ग्रीन करना पड़ता है जिससे हमारी जो पोस्ट होती है वो ऐसी ऑप्टिमाइज होती है। तो ग्रीन यानी अच्छा होता है, और ये जो ब्लैक आपको साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है कि आपने इसके अंदर में फोकस कीवर्ड अभी तक नहीं डाला है। फोकस कीवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे फिर ग्रीन और ऑरेंज और रेड कलर के आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, वो वन बाय वन आपको उसको ग्रीन करना पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज टाइटल डालेंगे, तो ये कह रहा है कि पेज टाइटल कंटेन 19 कैरेक्टर का होना चाहिए, विच इज़ लेस दैन द रिकमेंडेड इन 35 कैरेक्टर, यानी 19 से 35 कैरेक्टर के बीचों बीच आपको एक टाइटल रखना है। उसके बाद में द कॉपी स्कोरिंग 0 इन फेसिंग, तो ये फुल स्टॉप के बारे में कह रहा है कि जैसे ही आप कोई भी कैरेक्टर जब लिखते हैं 70 के बाद में 60 से जितने भी ऊपर आपके जो कॉपी स्कोर होगा, कॉपी स्कोर से आपकी मुराद जो होती है आप फुल स्टॉप कॉमा ये जब यूज़ करते हैं तो आपका जो स्कोर होता है वो पढ़ने के लिए अच्छा होता है, जो भी आर्टिकल जो बनता है वो पढ़ने के लिए अच्छा होता है। उसके बाद में नो मैटर डिस्क्रिप्शन, अगर आप अपने जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं तब मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो सर्च इंजन के लिए पढ़ने के लिए एक टॉपिक होता है जिससे वो पढ़ के सर्च में आपके रिजल्ट दिखाता है। इसलिए जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, आप जब भी कोई कैरेक्टर आर्टिकल लिखते हैं तो उसके अंदर में मेटा डिस्क्रिप्शन डालना ये लाजमी होता है। उसके बाद में ये कह रहा है कि ये जो रेड सिग्नल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है द टेक्स्ट कंटेंट 0 वर्ड, दिस इज फॉर टू लो एंड शुड बी इंक्रीजेज। तो जब भी कोई आप आर्टिकल लिखते हो तो उसके लिए कम से कम 300 वर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। वो जो है SEO के मायने से वो मायना रखता है उससे, क्योंकि आप अगर 300 वर्ड के नीचे में कोई आर्टिकल लिखते हैं तो वो SEO ऑप्टिमाइज नहीं होता है। इसलिए आप जब भी कोई आर्टिकल लिखे तो वो जो है वो 300 कैरेक्टर का लिखें। उसके बाद में ये एक ऑप्शन आपको नज़र आया है जो रेड कलर में है, उसके अंदर में लिखा है कि नो फोकस कीवर्ड वॉज सेट फॉर दिस पेज, इफ़ यू डू नॉट सेट अ फोकस कीवर्ड नो स्कोर कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर आप इस जगह पे अगर आप फोकस कीवर्ड नहीं डालते हो तो ये फोकस नहीं कर पाता है कि एक्चुअली आपका आर्टिकल किस कीवर्ड पे फोकस कर रहा है। तो आप जब कीवर्ड डालेंगे तो वो फोकस कीवर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर में आपका आर्टिकल बेस हो। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक आर्टिकल लिख के रखा है, लेकिन उसके अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया है, वो अभी ड्रॉप में पड़ा है। मैं आपको बताऊंगा कि सारे के सारे ग्रीन ऑप्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो मैं ये जो पोस्ट है Yoast WordPress SEO प्लगइन टू सेटअप कैसे करें, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद में आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा होगा ऊपर में, तो ये जो है मैंने इसको SEO ऑप्टिमाइज पहले से ही जब पोस्ट लिखी थी SEO ऑप्टिमाइज ये बन चुका है। तो मैं इसको वन बाय वन स्टेप आपको मैं समझाता हूँ कि मैंने इसके अंदर में क्या किया हूँ। तो सबसे पहले यू हैव नेवर यूज द फोकस कीवर्ड बिफोर, वेरी गुड। और ये जो है फोकस कीवर्ड यूज़ के बारे में बोल रहा है, ये देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कॉपी स्कोरिंग 37.3 ये कंसीडर कर रहा है कि जितने आप ज़्यादा कॉमर्स और नए जैसे कि ये मैंने एक पोस्ट लिखी पहला पैराग्राफ, तो इनका कहना है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए, जैसे ये छोटा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है यहाँ से ये यहाँ तक है। तो अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखते हैं तो जो विज़िटर होते हैं
तो उनको पढ़ने में आसानी जाती है। उसके बाद में ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिस पेज हैज़ जीरो नो फॉलो लिंक्स एंड फाइव नॉर्मल आउटबाउंड लिंक्स। तो इसके अंदर में आप जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर में कम से कम एक लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है, वो SEO के मायने से बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप जैसे कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर में 5 लिंक डाला हूँ, और आप जैसे कि आर्टिकल के बीचों बीच में भी कोई लिंक डाल सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिंक डाली है गूगल साइट सबमिट साइट मैप। तो आप आर्टिकल में जैसे कोई आर्टिकल लिखते हैं और किसी भी वर्ड पे आप अगर लिंक रखते हैं तो वो SEO के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद में ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है द फोकस कीवर्ड अपेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप जब भी ये कोई भी फोकस कीवर्ड आप जब लिखते हो तो ये जो है ये पहले पैराग्राफ में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए ये पहले पैराग्राफ में है, लेकिन ज़्यादातर ये जो प्लगइन्स होता है कि ये कहता है कि आपका वाला पहले पैराग्राफ में ये शामिल नहीं है। तो क्योंकि हमारी ज़्यादातर इमेज हम फर्स्ट अपीयर करते हैं उसके बाद में हम आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मसला आता है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट मोड में जाइए, और टेक्स्ट मोड में जाने के बाद में जैसे कि ये नीचे में होता है आपको इसको बैक के बटन दबा के इसको ऊपर करना पड़ता है, जिससे ये फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। और उसके बाद में ये कह रहा है कि द कीवर्ड डेंसिटी 0.8 विच इज़ ग्रेट वॉज फाउंड 4 times। तो ये जो कीवर्ड है मैंने ये आर्टिकल लिखा है उसमें ये 4 ये कीवर्ड्स नज़र आ रहा है, तो ये कह रहा है कि ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में ये कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेन द फोकस कीवर्ड। तो ये आप जब कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आपको यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। ये मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन दिया, इसके अंदर में ये जो है योस वर्डप्रेस SEO प्लगइन्स ये यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, इसलिए ये कह रहा है कि ये फोकस कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद में द स्पेसिफाइड मेटा डिस्क्रिप्शन कंसिडर हाउ डज द कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर कुड बी मेड मोर अपीलिंग, ये अच्छा है। उसके बाद में द फोकस कीवर्ड अपीयर 2 out of 8 हेडिंग इन द कॉपी वाइल नॉट अ मेजर रैंकिंग फैक्टर दिस बेनिफिशियल। तो ये कह रहा है कि कीवर्ड अपीयर इन 2 out of 8 आठ सब हेडिंग में से 2 सब हेडिंग्स में हमारे जो फोकस कीवर्ड है वो नज़र आ रहे हैं, तो ये तो नॉट मेजर मिस्टेक है ऐसा ये कह रहा है। इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 8 सब हेडिंग दो और 8 में आप अपना फोकस कीवर्ड उसके अंदर में डालो। इससे अगर आप ज़्यादा बार डालोगे तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी बढ़ जाएंगी, जिसे आपको कम करना पड़ेगा, जो SEO के मायने से अच्छा होता है। लेकिन अगर ज़्यादा कीवर्ड्स आपके फोकस कीवर्ड आपके आर्टिकल्स में आ रहे हैं तो आपको उसको वन बाय वन कम करना पड़ेगा। उसके बाद में ये कह रहा है कि द इमेज ऑन द पेज कंटेन ऑल एट्रिब्यूट विद द फोकस। आप जब भी कोई इमेज डालते हो, मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे ऊपर में चले जाता हूँ, ये मैं इमेज डाली है, और इसके अंदर में जब आप अल्टरनेट टेक्स्ट जब इमेज का डालते हैं तो साथ में इमेज टेक्स्ट एट्रीब्यूट भी डाल दीजिए, जिससे क्या होता है कि आपकी जो इमेज सर्च इंजन को पढ़ने में आसानी होती है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आएगा। ये देखिए टाइटल में योस वर्डप्रेस SEO प्लगइन्स नज़र आ रहा है, अगर ये जो है कि सर्च इंजन को पढ़ने में आसानी होती है कि ये इमेज किस बारे में दी गई है। और ये इमेज का हमारा ये हो गया, और उसके बाद में द टेक्स्ट कंटेन 156 कैरेक्टर दिस इज़ मोर देन 300 वर्ड रिकमेंडेड मिनिमम। तो ये जो है 300 वर्ड रिकमेंडेड होता है हमारे आर्टिकल के लिए, अगर आप उससे ज़्यादा लिखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे आर्टिकल आपका और भी खूबसूरत बनेगा। आप जो है कि 300 वर्ड के नीचे ना लिखिएगा, जिससे वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप 300 वर्ड से नीचे से आर्टिकल लिखेंगे तो वो यहाँ पे रेड या ऑरेंज कलर का दिखलाएगा,
जो SEO के हिसाब से ठीक नहीं है। उसके बाद में है द पेज टाइटल बिटवीन 35 कैरेक्टर मिनिमम एंड द रिकमेंडेड 65 कैरेक्टर। तो ये जो पेज टाइटल के बारे में बोल रहा है, ये जो पेज टाइटल जो है आपका वाला, आप पेज टाइटल यहाँ से दो जगह से कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा ये एक पेज टाइटल ये हो गया और एक ऊपर में हमारा एक पेज टाइटल ये है। तो ये पेज टाइटल जब भी आप देंगे तो कम से कम 35 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 कैरेक्टर का। अगर उससे ज़्यादा आप देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, जिससे वो सर्च इंजन के बाद में जब भी आपका टाइटल आएगा उसके बाद में डैश डैश नज़र आती है। और इस तरीके से जो है कि आप अपना SEO ऑप्टिमाइज पोस्ट SEO बाय योस्ट के प्लगइन से बेहतर बना सकते हैं। ये 1x1 स्टेप आपको बताता है किस तरीके से आपको अपनी पोस्ट में चेंजेस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी के सारी तमाम चीज़ें आपको इसमें बताएंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ में इस पोस्ट को मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये पब्लिश हो चुकी है, जब आपको इसको व्यू करेंगे, व्यू होने के बाद में यहाँ पे जो है ये ग्रीन कलर का नज़र आएगा। ग्रीन का मतलब होता है कि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट बन गई है। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो और आने वाले वीडियो आप हमें देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।